हाँ भाई, तुमने ऐसी बेहतरीन कलाकारी, बेहतरीन पेंटिंग का नजारा आज तक नहीं देखा होगा। मेरी शान है शान, क्लास की शान। देख लो, तुम खुद देख कर बता दो क्या बनाया लमड़े ने, बता दो बस। अजी गुरुजी, तो साफ साफ दिखाई दे रहा, ये तो लमड़ा सारा सा है। ज्यादा तकड़े बना दे कुछ। धुआं दो भाई, कान में धुआं दे, इसकी छक्के लगा दो एक। फेंक दे भाई सब। कल क्यों नहीं आया था? अजी मैं बीमार हूँ, मेरे दिल में छेद है। पप बहुत रुपया काट के छेद कर रहा, कितनी छुट्टी मारेगा हो मुझे इससे? डॉक्टर पर्चा दिखा रहा कहाँ है? अजी पर्चा ना है, मैं तो सीधा झड़वा का आया था। खूब फिर झड़वाता, खूब फिर दहाई तो झड़वाता, तुम ऐसे फिरोगे झड़वाते। दूसरी लाइन में दिमाग का करता है भौसड़ा। सारे दिखा में बैठे। अजी गुरु जी क्यों बदनाम कर रहे हैं? तो पूरी क्लास ही सज्जन है। सज्जन देख। हाँ भाई, तेरा फेवरेट पक्षी कौन सा? अजी मेरा फेवरेट पक्षी है पापा की परी। लैंडबाज भौसड़ी का। हाँ भाई, सबसे ज्यादा चाय कहाँ है? अजी सबसे ज्यादा चाय होती है दर्जी के लिंग पे। दार्जिलिंग कहना चाह रहे हो? दार्जिलिंग। हाँ भाई, सम्मान देने से सम्मान मिलता है। भौसड़ी के सम्मान देने से सम्मान मिलता है। क्या उदाहरण बता दे। अजी सुबह उठकर पत्नी अपने पति के पैर छूती है, फिर वो पति रात को अपने पत्नी के पैर अपने कंधों पर रख लेता है। देख बकचोदी का लेवल देख। इधर ना बेटे, लमड़ों को छोड़ देना है, क्लास की लोंडे भी मात्र चोद होगी। देखो बैठूंगा समान। अगली को 11 के रजिस्ट्रेशन में सेक्स चीजें मेल या फीमेल लिखना था। अगली ने पता क्या लिखा? चूस लेती हूँ। खड़ी सब। हाँ भाई, पूरी क्लास के लिए दो स्पेशल अनाउंसमेंट है। एक तो जिसने अब तक नहीं की जमा फीस, उसकी गांड उठा दी जाएगी चीज, और फाड़ के कर दे जाएंगे दो पीस। और जैसा कि हमने वादा किया था कि इस साल स्कूल में एक नई लैंग्वेज लाई जाएगी, तो उसी सिलसिले में हमने चाइना से एक नए प्रोफेसर मंगाए हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए चाइनीज प्रोफेसर कैन सुंग ली का। Myself कैन सुंग ली। And he गान सुंग ली। कैन सुंग ली। खोसड़ी वालों गान ना सुंगी किसी ने भी। गान ना सुंगी। And this thing together to the law is the balance of my tune that knowledge stone. And this law is the balance of my tune. This मेरे वाले चूतिया ना है, ये जो चैंचा पैपा के बीच में तने जितनी गाली दी ना, ये सब समझ गए? तू जा सकता जा और तने जा तू जा भोसड़ी जा। अब तू बता कमर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अजी कैसे लहंगे सवाल पूछ रहे तुम, कमर को तो इंग्लिश में वेस्ट कहना है। शाबाश, ऐसे में बालक। हाँ वो तू बता क्यों कहते हैं, मतलब कमर को इंग्लिश में वेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो काम की चीज है ना, वो उससे थोड़ी ऊपर या नीचे ही होगा, बाकी तो सब चीज वेस्ट ही है। हाँ भाई, ये मक अलंकार की जगह में जी लंडकाकार अलंकार भोसड़ी के अलंकार की जगह में। अच्छा अच्छा जी, जहाँ एक ही शब्द बार बार आवे और हर बार उसका मतलब अलग होवे। शाबाश, सीखो कुछ इसका लंबे से। अरे भसड़ पप्पू बस रहे सारे। अब तू बता एग्जांपल बता उसका एक। अजी चट्टू ना खेत में चटाई बिछा गए, अपनी गर्लफ्रेंड की ऐसी चटाई करी कि चटाई भी शर्मा गई। एक और उदाहरण, जिंदगी में उस खुशी के पल में असली खुशी मिलेगी जिस पल खुशी अपनी खुशी से देगी। आइए आइए सर, आइए देखिए क्लास। अभी मास्टर जी बालों कुछ पढ़ा उड़ा भी रहे या नहीं? प्रिंसिपल साहब कैसी बात करते हैं, इन्हें पढ़ाने जरूरत है क्या? ये तो पैदा विद्वान हुए थे बालक, यकीन नहीं आ रहा होगा। ऐसा लग रहा है कंटी बैठे हैं। ऐसी लग रहा जी। हाँ तो देखो अभी। हाय बालको, प्रिंसिपल साहब को अपनी वफादारी के ऊपर विचार दो जरा। अजी कुत्ता एक बहुत ही वफादार जानवर है। शेर। अजी हर रिश्ते का आधार वफादारी होती है। वो बहन चोद। अजी वफादारी से याद आया,
जो लौंडा पूरे जीवन साथ काटने का वादा करे वो कच्चू तक काट दे पता नहीं लगता। बेटे टोपी तो वफादारी के ऊपर है। चुप हो सके मास्टर, सही कह रहा लंबा हो, आजकल वफादारी न रही लौंडे में बिल्कुल भी। हाँ सही कह रहा हो, प्यार व्यार के चक्कर में तो पड़े ही ना। टॉपिक तो वफादारी है, तेल लेन गई वफादारी साला। अरे ना रोज दे ना प्रपोज दे, सीधा उठा पटक कर भमोड़ दे। अजी सीधा सा रूल है, प्यार मोहब्बत में पढ़ के या तो बन जाओ भिखारी या मेरी तरफ बन के रहा खूंखार चूते शिकारी।